हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही ज्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता, जिसे आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक किसी भी टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी छोटी मोटी भूख का इलाज करने के साथ साथ आपको ये हेल्दी भी रखेगा, क्योंकि ये बनने वाला है गेहूं के आटे से और आप इसे हफ्ते भर स्टोर करके आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा, जो वेट ने हमारा 150 ग्राम है। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। यहाँ पे आपको इसे छान कर ही लेना है। आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसे 100% मेरी तरह गेहूं के आटे से बनाएंगे तो काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे देखिए, आटे को मैंने छान लिया है, तो अब चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे एक कटोरी आटे को हम बड़े वाले मिक्सी के जार में ट्रांसफर करेंगे। तो इस नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का आलू, जो कच्चा आलू होना चाहिए। तो यहाँ पे आलू को उबालने का कोई भी झंझट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पानी ले लेंगे और पानी के अंदर हम आलू को थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेस में कट करके डालेंगे और 2 से 3 पानी वॉश करने के बाद ऐड करेंगे। ऐसे नहीं ऐड करना है, ये देखिए थोड़ा सा रफली कट कर लेना, बहुत ज्यादा बारीक कट करने की जरूरत नहीं है। और अब इसे हम 2 से 3 पानी वॉश करने के बाद लेकर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आलू को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया है। अब सिर्फ हम आलू आलू डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि आलू में इतना पानी होता है कि ये खुद ही अपने आप पिस जाएगा। और अब इसके अंदर क्या डालना है आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 1.5 इंच का अदरक लिया, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मोटा मोटा कट करके डालेंगे, इससे इसको पीसने में आसानी होगी। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच ऐड कर रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना। 1/4 चम्मच हम ऐड करेंगे शुगर, जिसको चीनी भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा, मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1/2 टीस्पून तक हमें इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। अब इसमें हम थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड करेंगे, जिसको मीठी नीम भी बोलते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप लोग ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 ही डालना, लेकिन अगर थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो 2 डाल। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 ग्रीन चिली तोड़कर डाल दिया है। अब बिना पानी डाले हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो पानी डालने की जरूरत इसलिए नहीं, क्योंकि हमारा इसके अंदर आलू है। अगर आपको लगे कि आपका नहीं पिस रहा है तो आप इसमें दही डाल सकते हैं, पानी का इस्तेमाल मत करना। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, मैंने पीस लिया है, पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि हमने एक बड़े साइज का आलू डाला था, उसी से यह पीस गया है, क्योंकि आलू में खुद का पानी होता है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसमें दही डाल सकते हैं, या फिर छाछ डाल सकते हैं, या फिर दूध डाल सकते हैं। पानी का इस्तेमाल मत करना इसको पीसने के लिए, इससे आपका नाश्ता काफी ज्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं, आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड, आगे गैस की तरफ एक पैन लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, थोड़ा सा भारी लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तक ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करना जरूरी है। तो ऑयल जैसे अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे और हींग को हम चटकने देंगे। फिर इसी के साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून तक जीरा डालेंगे, छोटा वाला, और जीरे को हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, काला नहीं करेंगे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जीरा काला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने एक बड़े साइज की प्याज को मोटा मोटा कट कर लिया, इसको डाल देंगे। तो यहाँ पे प्याज को आपको पतला नहीं कट करना है। तो प्याज को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे, काला नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो लाल होना चाहिए, जूसी होना चाहिए। ना आपको इसके बीज निकालने, ना ही जूस निकालना है। तो टमाटर डाल के हम टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके अंदर। तो थोड़ा सा नमक डालने से टमाटर हमारे फटाफट गल जाएंगे और कम टाइम लगेगा और गैस की बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे कंटिन्यू चलाते हुए हमें खुले में टमाटर को पकाना है, कवर नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, 1 मिनट का टाइम हो गया है, टमाटर हमारे हल्के हल्के से सॉफ्ट होने लगे हैं और प्याज भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियाँ, जो हमने 5 डाली हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसको हटा सकते हैं। अगर आप प्याज भी नहीं खाते तो बिना प्याज के भी बना सकते हैं, आप सिर्फ टमाटर का इस्तेमाल करना डियर। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को वापस से भूनेंगे, ताकि हमारा जो लहसुन है उसका कच्चापन बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। और इसी के साथ हम इसमें 3 ग्रीन चिली डालेंगे, जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 2 डालना। तो यहाँ पे ग्रीन चिली को भी हम इन्हीं सभी चीज़ों के साथ मिलाकर भूनेंगे, ताकि अच्छा सा टेस्ट निकल कर आए।
तो यहाँ पे ये देखिए सारी चीजें हमारी बिल्कुल अच्छे से बुन गई है। तो लास्ट में हमने 2 इंच का अदरक लिया है जिसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, और अदरक का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो इस समय सर्दियां भी है तो अदरक का इस्तेमाल जरूर करें, इससे आपके शरीर को गर्माहट मिलेगी। तो यहाँ पे अदरक को हम सिर्फ 10 से 15 सेकंड ही भूनेंगे क्योंकि इसे हमें कुक नहीं करना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे सौंफ मोटी वाली, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास सौंफ ना हो तो आप इसकी जगह पे नारियल के बुरादे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। ये मूंगफली जो हमारी 2 चम्मच मूंगफली है, तो मूंगफली को हमें लास्ट में डालना है क्योंकि हमें इसे ज्यादा पकाना नहीं है। अब इसको हम सिर्फ 30 से 35 सेकंड ही अच्छे से भूनेंगे ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हमें इसको पहले से नहीं भूनना था इसीलिए हमने इसे सबसे लास्ट में डाला है डियर। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली हमारी हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। अब इसको हम हल्का सा ठंडा होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे छू पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे सारा का सारा। जब ये हल्का सा गर्म होगा तभी आप इसको पीसेंगे तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम 3 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि इसे पीसने में हमें आसानी हो। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला 1/2 टीस्पून तक, जिससे बहुत ही अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तक ग्रेटेड नारियल, जिसको नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। ये आपको किसी भी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा, आप चाहें तो इसकी जगह पे फ्रेश वाला नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, चलिए आपको दिखाते हैं। ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और इस तरीके से इसका टेक्सचर होना चाहिए। आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, मैं इस पर तड़का लगाऊंगी। तो चलिए इसको ट्रांसफर कर लेते हैं इस बर्तन में। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसकी थिकनेस आपको इस तरह से रखनी है और इसका टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन आया है। अब चलिए तड़का लगाते हैं। तो यहाँ देखिए आ गए हैं वापस से वही पैन की तरफ। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तक ऑयल, आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें 1/2 टीस्पून तक हम जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे कड़ी लीव्स यानी कड़ी के पत्ते, जिसको मीठी नीम भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने 10 से 15 लिए हैं जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और लास्ट में हम डालेंगे राई, जिसको आप लोग सरसों भी बोलते हैं। इसको डालकर आपको अच्छे से चटका लेना है इस तरह से, 10 से 15 सेकंड आप इसको अच्छे से पकने दीजिए। जितने अच्छे से तड़का हमारा पकेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो तड़का हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है, जलाना नहीं है। अब चलिए ऐड करते हैं। तो ये देखिए हम तड़का फटाफट ऐड कर देंगे, और तड़का लगाने के बाद चटनी का जो लुक है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा, खुशबू और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। चलिए आपको करीब से दिखाते हैं। ये देखिए बढ़िया से हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, जिसे आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल दुगना हो जाएगा। और आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, तड़का लगाने के बाद इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो देखिए टेक्सचर आपको इतना ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला मत बनाना। तो चलिए चटनी को साइड में रखते हैं और आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया है, और हमने जो घोल बना के रखा था उसको हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें हम सिर्फ 1 चुटकी हींग डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और नाश्ते को पचाने में मदद मिलेगी। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक साबुत जीरा, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। 1 चम्मच भरकर चाट मसाला, जिससे नाश्ता चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। अब इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च, क्योंकि हमने इसके अंदर हरी मिर्च पीसी भी है तो हम सिर्फ 1 ही डाल रहे हैं। अगर आप लोग ज्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें 2 हरी मिर्च डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। 1/2 टीस्पून तक कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इसमें हम डालेंगे लास्ट में 2 से 3 चम्मच हरा धनिया, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मुझे हरा धनिया काफी ज्यादा पसंद है तो मैंने थोड़ा ज्यादा डाला है। अगर आप लोग इतना हरा धनिया नहीं खाते तो आप इसको कम कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे 1 टेबलस्पून तक चावल का आटा, और ये आटे को आप घर में कैसे तैयार कर सकते हैं इसकी जो रेसिपी है वो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां से आप लिंक पे जाकर उस वीडियो को देख लेना, वहां पे आपको पता लग जाएगा। अब इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जिसको हमने हल्का सा गर्म करके लिया है 1 छोटा टेबलस्पून तक,
और यहाँ पे अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चावल का आटा डालने से ये नाश्ता काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक क्रिस्पी रहेगा। अगर आप सिर्फ आलू के साथ बनाएंगे तो जब तक आप इसे खाएंगे तब तक कुरकुरा रहेगा, लेकिन जब आप इसे रख देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें एक बड़ा टेबलस्पून तक चावल का आटा डाल देंगे तो आप इसे हफ्ते भर भी रखेंगे तब भी ये क्रिस्पी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्चर इस तरीके से होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हमारा बैटर पतला है ना बहुत ज़्यादा थिक है। तो चलिए बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। फ्रेंड आ गया है गैस की तरफ, एक पैन लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और बनाने से पहले आप इसको इस तरह से अच्छे से फेंट लेना। और अब हम छोटे चम्मच की सहायता से इस तरह से इसके अंदर डालेंगे, बिल्कुल प्यारे प्यारे से गोल गोल से बनेंगे। और डालते ही तुरंत चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद ये जब अपने आप ऊपर आ जाएंगे तब इसको हम टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको बनाना है, आप इसे जिस साइज में बनाना चाहे बना सकते हैं। तो छोटे छोटे बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से क्यूट क्यूट से लगेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से फूल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत में इस बैटर को बना के रख दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो एक बार में इतना ही डालना है जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। और आप चाहें तो छोटे करछी से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम 1 से 2 मिनट तक धीमी धीमी आँच पर पकने देंगे, फिर टर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुका है, टोटल आपको 4 मिनट का टाइम लगेगा इसे पकाने में। और ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा ये क्रिस्पी बन गया है। अब इसको आप इस तरह से रखना ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल है वो वापस चला जाए। और अब आप इसको रख दीजिए। ये देखिए कितना बेहतरीन इसका रिजल्ट आया है। दोबारा बनाने के तेल को फिर से गर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब मैं आपको बता रही हूँ फिर से इसको बैटर को आप फेंट लीजिए और तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इस तरह से बिल्कुल आराम से डालिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ये देखिए आराम से डालेंगे तो अच्छा सा शेप आएगा। और नीचे से जाके डालना बिल्कुल करीब से, लेकिन हाथ बदन न डाल देना। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा दूरी दूरी पे डालना ताकि छिटके ना। और अब इसको हम पहले वाले की तरह बना लेते हैं, फिर आपसे फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज्यादा टेस्टी है। चलिए आपको करीब से दिखा देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से जालीदार बना है क्योंकि हमने इसको रेस्ट का टाइम दिया था। ये देखिए देख रहे कितना क्रिस्पी, और सारे ही हमारे क्रिस्पी बने हैं। तो क्रिस्पी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से हार्ड है, इसे बुजुर्ग नहीं खा पाएंगे, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है जालीदार। ये देखिए और इस चटनी के साथ जब आप इसे खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। कैसी लगी आपको ये रेसिपी और चटनी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं, आप इसे केचप के साथ दिखा सकते हैं, चाय के साथ दिखा सकते हैं और पूरे आप इसे हफ्तों स्टोर कर सकते हैं। तो देख लीजिए सारे रिजल्ट ऐसे ही होंगे और यहाँ पे ये सॉफ्ट होने वाले नहीं, आप इसे जितने दिन भी रखेंगे ऐसे ही रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।